रुड़की के थाना पीरान कलियर बैटपुल चौक पुलिस चेक पोस्ट के पास कुछ दबंगों ने एक होमगार्ड पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल सोहलपुर गांव का रहने वाला अभिषेक चौधरी, जो कि रानीपुर कोतवाली में होमगार्ड की ड्यूटी करता है, वो आज जैसे ही अपने गांव से ड्यूटी पर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे उज्ज्वल शर्मा और अन्य दबंगों ने होमगार्ड को रास्ते में रोककर धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिसे होमगार्ड घायल हो गया। लेकिन राहगीरों के आ जाने के कारण दबंग वहां से भाग खड़े हुए। होमगार्ड ने 112 नंबर पर कॉल की और उच्च अधिकारियों को पूरा मामला बताया, जिसके बाद मौके पर चेतक पुलिस और होमगार्ड के परिजन भी पहुंच गए और होमगार्ड अभिषेक चौधरी का रुड़की के सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। अभिषेक चौधरी का कहना है कि उन्होंने हमलावरों में से एक की पहचान की है, जिसका नाम उज्ज्वल शर्मा है, बाकी 5 लोग उनकी पहचान में नहीं आए और उन्होंने सभी 5 हमलावरों के खिलाफ पीरान कलियर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सर वो ऐसा हुआ, मेरी 1 बजे से ड्यूटी थी रानीपुर मोड़ पर, ट्रैफिक में ड्यूटी चल रही है मेरी हरिद्वार, तो मैं घर से निकला ड्यूटी के लिए, तो जैसे ही बेड़पुर चौक के आसपास में आगे गया तो एक गाड़ी पहले बाइक आगे खड़ी थी, 2 लड़के थे, तो एक ने मुझे हाथ दिया तो मैंने रोकी नहीं, पता नहीं क्या होगा। फिर मैं आगे चलता रहा 40-50 की स्पीड पर आराम से नॉर्मल, तो आगे जाके जैसे मैं आगे गया 3-4 बाइक आई और उन पर 2-2 लड़के, तो एक ने मुझे हाथ दिया कि रुक, मैंने पता नहीं क्या मैटर होगा, तो मैंने बाइक रोक ली, तो उसने एकदम रोक तो सर पहले मेरी बाइक से छप्पी निकाल ली, जो ड्यूटी का मैं डंडा लेके जा रहा था मैं वो डंडा भी निकाल लिया और मारपीट शुरू कर दी। 4-5 लड़कों ने डंडे डुंडे मारे मेरे, मेरे बहुत चोट आई सर। और वो फिर उज्ज्वल शर्मा बोल रहा है मुझे, अगर तूने कोई भी कार्रवाई करी तो दिया अगर भविष्य में भुगतना पड़ जाएगा, तो जान से मार देंगे।